आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राहुल गांधी और अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर, चुनावी माहौल हुआ गर्म। दतिया में राहुल ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा नहीं किया किसानों का कर्जा माफ। सतना में अमित शाह ने खोला कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा, मंडला में भी की सभा। छतरपुर में आचार संहिता का उल्लंघन, 16 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज। शिवराज की यात्रा में कार्यकर्ताओं का हंगामा, बीच में रोकना पड़ा भाषण। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शारदीय नवरात्र के छठवें दिन शत्रु विनाशक पीताम्बरा पीठ पहुंचे। राहुल गांधी ने देवी दर्शन कर विशेष अनुष्ठान किया। माना जा रहा है राहुल गांधी ने आगामी चुनाव में विरोधियों को परास्त करने के लिए यह पूजा की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी नवरात्र के छठवें दिन दतिया के सिद्ध पीताम्बरा पीठ पहुंचे, जहां उन्होंने शत्रु नाश की अधिष्ठात्री देवी पीताम्बरा माई के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। ये वही सिद्ध व प्रतिष्ठित मंदिर है जहां पर राहुल गांधी के नाना व भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर भारत चीन युद्ध के समय देश की रक्षा के लिए मां बगलामुखी की प्रेरणा से 51 कुंडलीय महायज्ञ कराया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 11वें दिन अंतिम आहुति के साथ ही चीन ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी। उस समय यज्ञ के लिए बनाई गई यज्ञशाला आज भी यहां स्थित है। मंदिर में लगी पटिका पर इस घटना का उल्लेख भी है। इससे पहले पीताम्बरा माई के दर्शन करने 3 बार इंदिरा गांधी, 1 बार राजीव गांधी भी दतिया आए थे। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं अपने एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय जी से। अनुराग जी, राहुल गांधी के पीताम्बरा पीठ दर्शन के क्या मायने हैं? देखिए, जो पीताम्बरा पीठ है वो शत्रु विनाशक पीठ माना जाता है और सामान्य तौर पे वहाँ जो पूजा पाठ होता है वो इस किस्म का होता है कि कोई बड़ा युद्ध चल रहा हो या शत्रुओं को परास्त करना हो, विरोधियों को परास्त करना हो, इसके लिए पूजा पाठ किया जाता है। तो निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं अगले कुछ महीने में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, और सभी जगह विजय की कामना को लेकर राहुल गांधी ने वहाँ पूजा पाठ किया है। हमारे सूत्र बताते हैं कि काफी पहले से तय था कि राहुल गांधी एक बार पीताम्बरा पीठ जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और कांग्रेस विजय हो इसकी कामना करेंगे। और इस दौरान आपने देखा भी होगा कि राहुल गांधी अलग अलग मठ में, मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। एक जो छवि थी कांग्रेस की, जिसमें कहा जाता था कि अल्पसंख्यकों के हमदर्द हैं कांग्रेसी और उनके साथ चलते हैं, तो राहुल गांधी की छवि को बदलने की कोशिश भी इसके जरिए की जा रही है और कांग्रेस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। और ग्वालियर चंबल इलाके में जहां ये पीताम्बरा पीठ स्थित है वहां 34 विधानसभा की सीटें हैं, तो उन 34 सीटों पर अगर कांग्रेस को बढ़त मिलती है तो मध्य प्रदेश में उसे बढ़त मिल सकती है। इस दृष्टि से भी राहुल गांधी का पीताम्बरा पीठ में जाकर अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण है। जी, राहुल गांधी के परिवार की भी बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सभी यहां पीठ पर दर्शन करने आ चुके हैं। हाँ, यकीनन अगर बात करें नेहरू गांधी परिवार की तो ये चौथी पीढ़ी के व्यक्ति हैं राहुल गांधी जो वहां पहुंचे हैं, क्योंकि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे वो चीन युद्ध के समय बड़ा अनुष्ठान हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी जी लगातार आती जाती रही, राजीव गांधी गए वहां पे। तो पीताम्बरा पीठ बड़ा शक्ति पीठ है देश का और जो लोग वहां जाते हैं वो बताते हैं कि शत्रुओं को लेके, विरोधियों को लेके वहां पूजा पाठ किया जाए तो जरूर परास्त होते हैं। और इस समय शारदीय नवरात्र चल रहा है और ऐसे में वहां जाके राहुल गांधी का पूजा पाठ करना यकीनन उनकी छवि भी बदलेगा और मध्य प्रदेश में इससे उनको कुछ लाभ भी होगा। जी बिल्कुल अनुराग, धन्यवाद।
पीताम्बरा पीठ परिसर में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व सांसद कमलनाथ, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय महामंत्री व मध्य प्रदेश के प्रभारी दीपक बावरिया, राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हाँ, यहाँ जो भी भक्त आता है अपनी पूजा करना हमारा धर्म है, कर्तव्य इसलिए कराते हैं। पूजा तो सामान्य में उनकी, इसमें चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव की उनकी कामनाएं होती हैं। हमारा काम है संकल्प लेना और उनकी मनोकामना है उसको वहां तक भेजना। हमारे अर्जी हमारी होती है, मर्जी वहाँ की होती है। अब जैसी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति होती है वैसी उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। इसका ये है कि जब इनके स्वार्थ आते हैं सामने, काम तो क्या करते हैं भगवान जाने, पर स्वार्थ आते हैं तो वहाँ के दरबार में आने लगते हैं, पर आने के बाद शालीनता से तो नहीं आते हैं। आने पर इतना सब भड़कम मचता है और शोर शराबा होता है जिससे मां की पूजा अर्चना करना भी बाधित होने लगता है। दतिया में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा केंद्र सरकार किसानों का कर्जा माफ करने और राहत देने में नाकाम रही है। दतिया पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित किया। स्टेडियम ग्राउंड पर जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तब हमने किसानों का कर्जा माफ किया, लेकिन मौजूदा सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी से एक मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने बताया, मैं किसानों की बात करने पीएम ऑफिस गया था। मैंने उनसे कहा था कि आप बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं तो आप किसानों को भी ऐसी ही राहत दीजिए, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 4 सालों में हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 उद्योगपतियों का 3,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। मेरे आंकड़े नहीं है, सरकार के मंत्री ने कहा है। यूपीए की सरकार थी, किसान हमारे पास आए, उन्होंने हमें कहा देखिए हमारा भी आप कर्जा माफ कीजिए, हम भी देश के लिए काम करते हैं, बैंक के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। 1-2 साल पहले मैं मोदी जी के ऑफिस में गया, एक ही बार गया हूं, सिर्फ एक बार मैं गया हूं। रिकॉर्ड देख लीजिए उनके ऑफिस का, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के ऑफिस में सिर्फ एक बार गए हैं। मैंने उनसे कहा मोदी जी किसानों का कर्जा माफ कीजिए, ये रहा उनका जवाब। मतलब मुंह से एक शब्द नहीं निकला। राहुल गांधी के बाद बात बीजेपी के अमित शाह की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का विकास से कोई लेना देना नहीं है, आमूल चूल परिवर्तन करने का काम बीजेपी कर रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है, ऐसे में 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर आए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रीवा और सतना पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। शाह की नजर पूरी तरह से विंध्य की धरती पर भाजपा का झंडा फहराने की है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस देश को अंधेरे में ले जा रही थी, उसका विकास से कोई लेना देना नहीं था, बीजेपी अमूल चूल परिवर्तन करने का काम कर रही है, बीजेपी देश और प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जा रही है। परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने किया है और ये परिवर्तन हर गांव के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर शहर के अंदर, हर घर के अंदर दिखाई पड़ता है। गांव में कभी 24 घंटा बिजली मध्य प्रदेश वालों ने देखी थी क्या 15 साल पहले? जोर से बोलो, देखी थी क्या? 3-4 घंटा होते होते बिजली समाप्त हो जाती थी, रात को खाना खाने बैठते थे, हाथ चावल में गिरता है या दाल में गिरता है मालूम नहीं पड़ता था क्योंकि अंधेरा होता था या नहीं होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश भर के अंदर 24 घंटा बिजली गरीब से गरीब के घर में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी।
बीजेपी के मदमस्त कार्यकर्ता मुख्यमंत्री शिवराज की भी नहीं सुनते। मुगावली में जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज को भी कार्यकर्ता के अति उत्साह का शिकार होना पड़ा। इस दौरान शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या है पूरी खबर, इस पर हम विक्रम यादव से बात करेंगे। हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या है पूरी खबर? जी जी, देखिए मैं आपको बता दूं शेफाली जी के सीएम साहब का जो रोड शो हुआ था जी, उसमें कार्यकर्ताओं का बहुत तरीके से उत्साह रहा और विशेष वो रहा, और कार्यकर्ताओं के आगे सीएम साहब को बोलती बंद करना पड़ा, क्योंकि कार्यकर्ता जो टिकट के दावेदारों की वो चल रही थी, टिकट के जो अपने अपने समर्थक आए थे उसमें भारी वो रहा जी। विक्रम, जो टिकट की मांग करने वाले नेता थे उनके साथ जो समर्थक थे उनका अति उत्साह के कारण शिवराज को अपना माइक बंद करना पड़ा, भाषण रोकना पड़ा, उनको माइक बंद करने पड़ा। शुक्रिया विक्रम। जैसा कि हमारे संवाददाता विक्रम ने बताया कि टिकट की चाहत रखने वाले नेताओं के साथ जो भीड़ थी उनका उत्साह शिवराज को दिखावे के लिए इतना अति उत्साह था कि शिवराज को अपना भाषण ही रोकना पड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मुंगावली में जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचे तो समर्थकों का उत्साह चरम पे था। मुंगावली में सीएम शिवराज सिंह चौहान को कार्यकर्ताओं के अति उत्साह का शिकार होना पड़ा। जब टिकट के दावेदारों के समर्थक शिवराज सिंह के भाषण में बीच बीच में अपने नेताओं की जय जयकार करने लगे तो शिवराज सिंह को इनको शांत करने की बात कहना पड़ी। लेकिन हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बात भी नहीं मानी और अपने उत्साह का प्रदर्शन करते रहे। मजबूरी में भाषण के दौरान शिवराज सिंह को खुद ही चुप होना पड़ा। जब शिवराज सिंह ने अपना भाषण बंद कर दिया उसके बाद इन लोगों का हो हंगामा बंद हुआ, जिसके बाद नेता समर्थक शांत हुए। सभा में शिवराज सिंह ने कहा कि हम जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, इसलिए हमारे बोलने में व्यवधान ना डालें। रोड शो के बाद शिवराज सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष एवं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमने परिवार की तरह सरकार चलाई है, कभी महाराजा बनकर जय जयकार नहीं करवाई। वहीं शिवराज सिंह ने कहा कि हम भले ही उपचुनाव कुछ मतों से हार गए हों पर जनता का दिल जरूर जीत लिया। सीएम शिवराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिवाली तक मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ बिजली ना हो। उन्होंने कहा कि मैं सतत मॉनिटरिंग करता हूं, लेकिन चुनाव के कारण फिलहाल इस काम को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता भय फैलाने में माहिर हैं। हमने तेंदुपत्ता देने वाली महिलाओं को चप्पल साड़ी दी तो कांग्रेसियों ने कहा कि मामा की चप्पल पहनने से कैंसर हो जाएगा। शिवराज सिंह ने सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महलों में रहने वाले राज करने वाले लोग इस समय परेशान हैं और दिन रात सत्ता में वापसी के लिए दुआ मांग रहे हैं और पानी पी पी कर हमको कोस रहे हैं। विक्रम यादव, दखल न्यूज़, मुंगावली। रीवा में एक पुलिस वाले ने दूसरे की जमकर पिटाई लगा दी। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद अब आला अधिकारियों तक पहुंच गया है। रीवा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माऊगंज कमलेश कुरसुमे से वाहन पर तैनात आरक्षक रवि पाठक आज सुबह गाड़ी से रवानगी डिफेक्ट लेकर पुलिस लाइन गया था, जहां पर प्रभारी अधिकारी निप्रेन सिंह ने ड्राइवर को कहा कि आज तुम्हारी स्पेशल ड्यूटी लगी है, तो ड्राइवर ने कहा कि सर एक बार आप एडिशनल एसपी को इसकी जानकारी दे दीजिए। आरक्षक के इतना कहते ही सिरफिरे एमटी प्रभारी निप्रेन सिंह भड़क गए और ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी, जिससे ड्राइवर के शरीर में काफी सारी चोटें आई हैं। राउंड मारने की वजह से आरक्षक रीवा रवि का हाथ भी फट गया है। इसकी शिकायत उसने एडिशनल एसपी से की। उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच कर दोषी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारा खर्चा कितना है, गाड़ी का कितना बचा हुआ पैसा है, काम करवा लो। एमटी शाखा गया तो नितिन सिंह सुबेदार वहाँ चार्ज में है, तो बोले कि आपकी ड्यूटी वीआईपी में लगा दी गई है और महूगंज नहीं जाना है। तो मैं इतना बोला कि सर आप श्रीमान जी से बात कर लीजिए कि आपका ड्राइवर हम रोक लिए हैं या वीआईपी के लिए, थोड़ा सा नाराज़ होते हैं हमसे श्रीमान। बस घर आने लगा, थोड़ा सा मैं विरोध किया तो जैक की राड होती है जिससे मेरे को 3-4 राड मारे रहे, माँ बहन की गाली दिए रहे, बहुत बुरा बुरा बोले रहे। उक्त आरक्षक चालक द्वारा आकर के ऐसी शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके साथ जो है अभद्रता की गई, इस संबंध में उनकी शिकायत पर जांच की जाएगी और यदि सही पाया जाता है तो दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त।
आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बीजेपी के चंदला विधायक आरडी प्रजापति की रैली में 13 अक्टूबर को आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला सामने आया था। 13 अक्टूबर को खबर आई कि छतरपुर जिले के चंदला के बीजेपी विधायक आरडी प्रजापति जमकर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जनसंपर्क कर रहे हैं। बीजेपी विधायक खुलेआम बीजेपी के नेताओं की तस्वीरों से सजे रथ में सवार होकर निकल रहे हैं। तेज आवाज में बजाया जा रहा है डीजे, सरकारी योजनाओं और विधायक के कराए गए कामों का बखान किया जा रहा है। वहीं मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विधायक अपने नाम और तस्वीर की टी शर्ट बांट रहे हैं, जिसमें आरडी प्रजापति के नाम और फोटो के साथ कमल निशान छपा है। दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी विधायक को विवादित बताते हुए आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत चुनाव आयोग से की। हमारे संवाददाता दीपेंद्र गुप्ता ने बताया, अब प्रशासन ने इस मामले पर संज्ञान लिया और गौरीहार थाना क्षेत्र से रिपोर्ट मंगवाकर बीजेपी के 3 मंडल अध्यक्ष सहित 16 लोगों पर मामला दर्ज किया है। उसके बाद जब हम गौरीहार पहुंचे, वहां पर इस तरह की सूचना प्राप्त हुई कि आरओ से अनुमति लेकर के, लेकिन अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एक रैली निकाली जा रही है। तो वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर अपनी रैली थी, उसको उपलब्ध बल और दंडाधिकारी उनके साथ में वीडियो कार्रवाई कराई गई। उस कार्रवाई के दौरान उसमें लगभग 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा बना है और उसमें 15 गाड़ियां और 1 डीजे ये जब्त किया गया है। इस तरीके से नियम विरुद्ध या शर्तों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने जो रैली निकाली थी उसमें आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।